नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में लगभग 8000 से ज्यादा मठ और मंदिर हैं। हर मठ मंदिर की अपनी अलग अलग परंपरा है और मान्यताएं हैं, लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र बजरंग बली का भी मंदिर स्थापित है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की, जहां धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी को साक्षात पवन पुत्र हनुमान दर्शन देते हैं और इस मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी आता है और इसी वजह से हनुमानगढ़ी पीठ में वर्चस्व की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। यहां 38 साल में 20 से ज्यादा साधु संतों और महंतों की हत्या की जा चुकी है, सिर्फ इसलिए कि गद्दी, धन दौलत और संपत्ति पर कब्जा हो सके। अभी 5 रोज पहले ही एक नागा साधु की हत्या कर दी गई। हनुमानगढ़ी के कद पद और वर्चस्व की लड़ाई पर यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। 1000 साल पुरानी और देश की सबसे शक्तिशाली पीठ में से एक हनुमानगढ़ी पीठ, जहां खुद विराजते हैं हनुमान जी, जो अयोध्या के राजा राम के परमदास हैं, माना जाता है उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन हनुमानगढ़ी पीठ में वर्चस्व की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। इस गद्दी के लिए गदर इस कदर है कि यहां 38 साल में 20 से ज्यादा साधु संत और महंतों की हत्या हो चुकी है, महज इसलिए कि गद्दी, धन दौलत और संपत्ति पर कब्जा हो सके। अभी 5 रोज पहले ही एक नागा साधु की हत्या यही हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर कर दी गई। साधु का नाम राम सहारेदास था। वह हनुमानगढ़ी के बसंतियों पट्टी के साधु थे। हत्या उन्हीं के चेले ने की। वह पट्टी की गद्दी पर कब्जा कर साधु के पैसों को हड़पना चाहते थे। कहते हैं धरती में आज भी हनुमान जी जीवित हैं और मौजूद भी हैं। यहाँ बात आती है हनुमान जी की, तो सबसे बात बड़ी बात आती है हनुमानगढ़ी की, जो कि अयोध्या में मौजूद है, जहाँ पर श्री राम जी ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था और उनके लिए एक कुटिया या फिर मंदिर बनाई थी। लेकिन यह मंदिर कई सालों से विवादों में है। यहाँ पर लगातार बीते 38 सालों में तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा साधु, महंत और नागा साधुओं की हत्या भी हो चुकी है। बीते कुछ दिन पहले ही नागा साधु की हत्या उनके चेलों ने कर दी। इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों हत्याएं होती हैं, कई सालों से हत्याएं हो रही हैं, 4 दशक से लगातार कभी ना कभी हर साल या फिर कई साल दर साल ऐसी हत्याएं होती हैं, इसके पीछे मुख्य वजह फिलहाल अभी तक तो कोई बता नहीं पाया है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई है, एक गद्दी की लड़ाई है और एक गद्दी मुख्य वजह भी हो सकती है। हनुमानगढ़ी की गद्दी कितनी अहम है और यहाँ वर्चस्व की जंग कब से चली आ रही है, आज उसके कुछ हिस्सों और हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले इस गद्दी के महत्व और इस गद्दी से जुड़े कई जरूरी इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी का अपना संविधान है। यहाँ का पूरा कामकाज इसी संविधान के मुताबिक चलता है। पीठ का अपना अखाड़ा और पंचायत भी है, ये लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेती है। इसके बावजूद यहाँ गद्दी, अखाड़ा और वर्चस्व की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। यहाँ कद पद और पैसे के लिए संतों की हत्याएं तक हो जाती हैं। गद्दी पर कब्जे के लिए हत्या का पहला मामला 80 के दशक में सामने आता है, जब यहाँ गद्दी नशी महंत दीन बंधुदास की हत्या कर दी जाती है। 30 सितंबर 1995 को महंत रामज्ञा दास की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या हनुमानगढ़ी के आश्रम में ही होती है। हमलावर 150 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाकर महंत को छलनी कर देते हैं। तब से चला आ रहा यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं। हनुमानगढ़ी पीठ का सर्वोच्च पद गद्दी नशीन महंत का होता है। वही पीठ की चारों पट्टी सागरिया, हरिद्वारी, बसंतिया और उज्जैनिया समेत पूरे हनुमानगढ़ी अखाड़े का प्रमुख होता है। पीठ के महंत पद पर विराजमान गद्दी नशीन महंत दीन बंधुदास की हत्या तो उनके आसन पर ही गोली मार कर दी गई थी। यह घटना 1984-85 की बताई जाती है। इस घटना के साल भर के अंदर नवनियुक्त गद्दी नशीन महंत राम बालकदास की भी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं की चर्चा आज भी दबी जुबान से अयोध्या के महंत करते हैं, लेकिन खुलकर बोलने से परहेज करते हैं। हनुमानगढ़ी की क्राइम फाइल 1882 महंत बजरंग दास की हत्या, 1886 महंत राम बालक की हत्या, 1886 महंत हरिभजन दास की हत्या, 1991 महंत शंकर दास की हत्या, 1985 महंत दीन बंधु दास की हत्या, 1995 महंत रामज्ञा दास की हत्या, 1997 पगला बाबा की हत्या, 2007
तीन संतों की मिली लाश। 2015 महंत संत सेवक दास की हत्या। 2023 संत राम सहारे दास की हत्या। पगला बाबा की हत्या में शिवप्रकाश शुक्ला का नाम आया था। 1997 में हनुमानगढ़ी के महंत राम कृपाल दास उर्फ पगला बाबा की हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि उन्हें अयोध्या की गलियों में दौड़ाकर गोली मार दी गई थी। इस हत्या में शिवप्रकाश शुक्ला का हाथ था। पूर्वांचल का कुख्यात बदमाश माना जाता था, जिसने सीएम तक को मारने की सुपारी ले ली थी। ठकुराइन मंदिर में जमीन खोदकर तीन संतों की लाश निकाली गई थी। हनुमानगढ़ी के 52 बीघा परिसर में ही ठकुराइन मंदिर है। बात 2007 की है। इसी मंदिर के ग्राउंड फ्लोर से पुलिस ने जमीन खोदकर तीन संतों की लाश निकाली थी। गद्दी और वर्चस्व की लड़ाई में इन्हें भी मारकर गाड़ दिया गया था। इनकी हत्या किसने और क्यों की थी, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। हनुमानगढ़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दर्शन किए बिना रामलला का दर्शन अधूरा माना जाता है। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को रहने के लिए दिया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने साकेत गमन से पहले हनुमान जी को इस किले पर रहकर अयोध्या की रक्षा का दायित्व सौंपा था। इस आदेश के बाद से हनुमान जी यहां साक्षात विराजमान है। हनुमान जी ही अयोध्या के राजा हैं और राजा की तरह ही उनकी सेवा होती है। इस बात का जिक्र अथर्ववेद में भी है। हनुमानगढ़ी में हर साल 1.5 करोड़ लोग दर्शन करते हैं। फिलहाल हनुमानगढ़ी के गद्दीनशी महंत प्रेमदास हैं। तो जैसा कि आपने हमारी खास पेशकश में देखा कि क्या मुख्य वजह हो सकती थी या फिर है, फिलहाल दबे मुंह हर कोई बात करने को तो तैयार रहता है इन सब मुद्दों पर, लेकिन कोई सामने नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य या फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि साधु संतों की सुरक्षा का जिम्मा कब लिया जाएगा पूरी तरह से, और ये कब अपने आप को सुरक्षित समझेंगे, क्योंकि बात अयोध्या की है और बात धर्म की नगरी श्री राम जी की है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि फिलहाल कब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी और कब इन पे लगाम लगेगा। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। साल 2024 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उसी राम नगरी अयोध्या में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है, महज गद्दी के लिए और पैसों के लिए। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।